न्यूराजो मंडी के महावीर भवन में चल रही साध्वी रत्ना कुमुदी महाराज साहब और डॉक्टर सरोज महाराज साहब का मंगल वर्षायोग समाप्त हो गया। वर्षायोग समापन पर महावीर भवन में आभार प्रकट सभा का आयोजन किया गया। न्यूराजा मंडी के महावीर भवन में चल रहा साध्वी रत्ना कौमुदी महाराज साहब और साध्वी डॉक्टर सरोज महाराज साहब का मंगल वर्षायोग रविवार को समाप्त हो गया। वर्षायोग समापन पर महावीर भवन में आभार प्रकट सभा का आयोजन किया गया। आज श्री एसएस जैन ट्रस्ट आगरा के तत्वधान में और चातुर्मास के लिए पधारी साध्वी यशाश्री जी महाराज एवं साध्वी कौमुदी जी श्री जी महाराज का आज यहाँ से बिहार यात्रा प्रारंभ हो रही है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि साधु संतों बहते पानी की तरह होते हैं, जो आज यहाँ कर्मा चातुर्मास काल पूरा होने के उपरांत वे यहाँ से प्रस्थान कर रही हैं। उनका आज महावीर भवन राजा की मंडी से बिहार हो रहा है। उन्होंने विगत 4 महीनों में जो समाज को अहिंसा सत्य अस्तेय और अपरिग्रह के सिद्धांतों का जो वातावरण दिया है, जो एक उनको मनन चिंतन कराया है, उसके लिए समाज सदा उनका ऋणी रहेगा। साधु संतों का आवागमन ऐसे ही होता रहे और हम लोगों में धर्म के बीच रोपित होते रहे, बस यही मंगल कामना। इस अवसर पर महावीर भवन में साध्वी तपस्वी जीवन पर आधारित लघु नाटिका का मंचन समाज की महिलाओं के द्वारा किया गया। अरे पर तूने ये क्या मंचन करा रखा है? अरे जब हम विद्यालय में पढ़ते थे तब तो इतना मोटा ताजा तंदुरुस्त हुआ करता था तू, पर ये क्या हो गया? कोई परेशानी हो तो मुझे बता, आखिर मित्र ही मित्र के काम आता है, ये क्या हो गया तुझे? कार्यक्रम में समाज के प्रबुद्धजनों ने साध्वी महाराज के द्वारा ताज नगरी में वर्षायोग के लिए विराजमान रहने पर आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में श्री मूर्ति पूजक संघ के अध्यक्ष अशोक जैन सीए की मौजूदगी विशेष रही। सी न्यूज के लिए अजय बहादुर की रिपोर्ट।